गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने जनपद वासियों से हाथ जोड़कर अपील किया है कि कोरोना के प्रति लापरवाही कतई न बरतें। अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। विश्व के कई देशों में कोरोना का संक्रमण दोबारा वापस लौटा है, इसलिए सभी से अपील है कि त्योहारों को लेकर ज्यादा उत्साहित ना हो, अपने घरों में ही त्योहार मनाए, किसी के घर आना जाना कम रखे। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी भी देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 मूल मंत्र याद रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, सभी से ये अपील करने चाहता हूँ, कोरोना का कोई उपाय अभी भी नहीं है, टीकाकरण अभी भी कुछ भी नहीं है पूरे दुनिया में। अब अंड देखिए तो त्यौहार के मौसम में ये बढ़ने का आशंका बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे अभी यूरोप देश में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, हर जगह तो दोबारा स्पाइक हो गया, दोबारा पीक हो गया, दोबारा केसेस बढ़ने लगे। यहाँ भी दक्षिण भारत में केरल इरल कुछ राज्य में दोबारा फिर केसेस बढ़ने लगे। इसका मुख्य कारण ये जो त्यौहार है और इस पर लापरवाही बरते हुए लापरवाही की वजह है। देखिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इस समय में मिलना जुलना बिल्कुल मना करिए, ताकि तो जाड़े के वजह इसका प्रकोष्ठ और बढ़ेगा, इसको कोई इलाज नहीं है। अभी भी पिछले अब तक गोरखपुर में 300 लोग मर गए और अभी भी कम उम्र वाले भी उस पर शामिल है। ऐसे नहीं है, ऐसे मत मानिए केवल बुजुर्ग लोग का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इस पर 25 साल का लोग भी है, 30 साल का लोग भी है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लापरवाही ना बरतें, ये लापरवाही की वजह ही होता है। बार बार कहने के बाद बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का याद ही नहीं रखते हैं, और हाथ धोना और हाइजीन मेंटेन करना ये नहीं होता है। तो बार बार कह रहा हूँ, लापरवाही का हम जो रेट दे रहे हैं वो बहुत अधिक है, एंड वो जान आप जान से प्यारा कुछ है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जान बचाने के लिए केवल आपका जान नहीं है, आपको पूरा परिवार का, खानदान, रिश्तेदार, सभी का जान खतरे में है। अब इस बार त्यौहार है, सतर्क रहिए, घर का अंदर ही मनाइए। जो पूजा पाठ करते हैं, द्वास्ताएँ मनाते हैं, वो घर का अंदर ही बैठ के मनाएं, कतई भीड़ इकट्ठा मत करिए किसी भी सूरत पे। आपका पड़ोस को बुलाना, रिश्तेदार को बुलाना, आपस में बांटना, मास्क हटा के खाना पीना, ये सारे चीज़ मना है निश्चित रूप से। आप इस पर लापरवाही ना करें, ताकि और अन्य देश से हम लोग जो सीखे हैं इसको दोबारा हम लोग का देश को होने मत दीजिए। सभी लोग इसको लड़के मिल के लड़ेंगे, तब हम कोरोना से जीत पाएंगे। आगे 3-4 महीने के लिए जो इसका वैक्सीनेशन का और कोई दवा का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, इसका एक ही विकल्प है, बचाव ही एक उपाय है। अब उसका आने के पहले कैसे बचाएंगे उसी पे विचार करें। अब तक गोरखपुर में करीब 18,000 लोग उस पे चपेट में आ गए हैं, उस पे कुछ लोग जान भी दिए हैं। मैं चाहता हूँ गोरखपुर में बाकी लोग बचे रहें और बाकी लोगों को कुछ नहीं हो जाए, इसका आप हमें साथ दें।